लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठीच्या प्रचारानं आता चांगलाच वेग घेतलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज उत्तर प्रदेशातल्या सहारणपूर इथे प्रचारसभा झाली. स्थानिक स्तरावर विविध योजना राबवून पक्षानं लोकांची मनं जिंकली, तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची स्थिती मजबूत केली असं ते यावेळी म्हणाले. भारत को एक मजबूत देश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता है. यानी जैसी भाजपा की नीयत है, जैसी निष्ठा है, नीतियां भी वैसी ही बनती है. साथियों, बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है. हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे, और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है. और हमारा तो मंत्र रहा है सेचुरेशन, 100% योजना लागू हो. काँग्रेसनं गरिबांची पर्वा कधीही केली नाही. काँग्रेसच्या काळात विकासाला खीळ बसली होती, मात्र गेल्या 10 वर्षात देशात मोठं परिवर्तन व्हायला सुरुवात झालं असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. ते आज अजमेर इथे प्रचारसभेत बोलत होते. काँग्रेस पार्टीने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है. झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है. आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है. कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी. पंतप्रधान आज संध्याकाळी गाझियाबाद इथे रोड शो करणार आहेत.